नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। भैयू महाराज आत्महत्या कांड में अब और भी चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस करीब करीब इस निष्कर्ष पर पहुँच रही है कि भैयू महाराज और एक युवती के बीच नाजायज रिश्ते थे और युवती उन पर शादी का दबाव बनाने लगी थी और भैयू महाराज की पत्नी को दोनों के बारे में जानकारी भी हो गई थी। अब पुलिस इस तथ्य को जुटाने में लगी है कि क्या युवती द्वारा भैयू महाराज को ब्लैकमेल किया जा रहा था, जैसा कि कैलाश ड्राइवर द्वारा भी यह बात कही गई है। उल्लेखनीय है कि भैयू महाराज की आत्महत्या के बाद सेवादार परिजन और कर्मचारियों ने पत्नी आयुषी और बेटी कुहू के बीच कलह बताकर सच्चाई को छुपा लिया गया था, लेकिन जब कैलाश ने इन सारे मामले की पोल खोली तो फिर फूटी कोठी में रहने वाली एक युवती का नाम सामने आया, जिसे महाराज ने काम के लिए रखा था और बाद में उसके महाराज से संबंध बन गए और वह उनके बेडरूम में ही रहने लगी। और ऐसा भी कहा जाता था कि उसने बेडरूम पर कब्जा कर लिया था, वह महाराज को ब्लैकमेल करती थी। इधर कैलाश ने भी विनायक पर करोड़ों रुपए की हेराफेरी का आरोप लगाया था। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं उनसे यही पता चलता है कि कहीं न कहीं भैयू महाराज ब्लैकमेलिंग के कारण गहरी निराशा में डूबे हुए थे और इसी निराशा के चलते उन्होंने गोली मारकर खुद को खत्म कर लिया।